एनटीए सीयूटी का एग्जाम दोबारा से करवाने जा रही है 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। किन बच्चों का होगा, किस सब्जेक्ट का होगा, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने बोला है कि 30 जून तक जिन बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम एड्रेस की है एनटीए को, अगर वो सही पाई जाएगी तो एग्जाम दोबारा से करवाया जाएगा 15 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पर होगा। अब यहां पर बात यह उठती है, क्या रिजल्ट अब 19 जुलाई के बाद आएगा या उससे पहले आ जाएगा? दो चांसेस हैं, सारी बातचीत मैं आपसे डिटेल में करता हूं, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात, दो चांसेस हैं। एक ऐसा है कि अगर सभी का रिजल्ट एक साथ आना होगा तब तो यहां पर यह होगा कि ये जो है वो रिजल्ट पब्लिश करेंगे 19 जुलाई के बाद, मतलब कहीं ना कहीं वो 25 जुलाई तक चला जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम 15 से 19 होगा उसकी आंसर की, उसकी फाइनल आंसर की, देन उसका रिजल्ट, तो होते हवाते 25 जुलाई से कम नहीं लगेगा। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जिनका एग्जाम हो चुका है सही तरीके से, उनका यहां पर ये पहले आंसर, पहले यहां पर उनका रिजल्ट ये पब्लिश कर देंगे, उसके बाद जो बच्चों का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट ये दोबारा से पब्लिश करेंगे, मतलब सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें बात उठती है, सर सेपरेट सेपरेट कैसे कर देंगे? एक सब्जेक्ट का पेपर अगर एक से अधिक बार होता है तो वहां पे नॉर्मलाइज्ड स्कोर आते हैं। जैसे पहले ऑनलाइन जब पेपर होते तो ऐसा ही होता था, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने किसी दिन पेपर दिया, किसी बच्चे ने किसी दिन पेपर दिया, तो दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाएगा? तो उसके लिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है कि ताकि उनको समान लेवल पे लाया जा सके, नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को। अब यहां पर बात ये उठती है कि अगर ये प्रोसेस आया कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहेगा और सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, तो 25 जुलाई के पहले तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। लेकिन अगर इन्होंने ये सेपरेट कर दिया कि जिनका एग्जाम हम ले रहे हैं उनका एग्जाम जो है वो, जिनका एग्जाम दोबारा से ले रहे हैं उनका रिजल्ट अलग से लाएंगे, जो उनका हो चुका है उनका रिजल्ट ये अभी दे देंगे, तो फिर रिजल्ट आपका 15 जुलाई के पहले पहले और भी जल्दी चांसेस यहां पर बनेंगे, क्योंकि 9 जुलाई को आपका ये चैलेंज करने का काम खत्म होगा, एक दो दिन में फाइनल आंसर के, देन आपका रिजल्ट यहां पर प्रिपेयर होकर आपको मिल जाएगा। अब बात रही कि सर इन दोनों में क्या होने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस दोनों के बन रहे हैं, और मेरे हिसाब से होना तो ये चाहिए कि आपका जब एग्जाम सभी का हो जाए 15 जुलाई 19 जुलाई वाला, उसके बाद ही आंसर की आनी चाहिए, क्योंकि फिर नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आएगा तो फिर वो तो लेवल में डिफरेंस हो सकता है, फिर ये चीज़ें मुझे फिजिबल नहीं लग रही हैं कि ये रिजल्ट पहले जितने का हो चुका है उनका दे दें और फिर जो बच्चे दोबारा से एग्जाम देंगे उनका फिर रिजल्ट आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा और वो कहीं ना कहीं 25 जुलाई या उससे भी डिले हो सकता है यहां पर रिजल्ट। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा, अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, ये तो मैं आपसे एक डिस्कशन कर रहा था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।